जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर सहित तीन अन्य को रिश्वत देने और रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसकी पुष्टि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने की है। इसका गुर्जर के पति और एक निजी कंपनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें रिश्वत लेने और देने दोनों का जिक्र किया गया। वायरल वीडियो ऑडियो की FSL जांच में पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सौम्या गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत और IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस प्रकरण में मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहां बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है, उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे, और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार इन्होंने बिल पेश किया है, और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है, और VVG कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले, उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज करेंगे। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने दो फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने चार जांच के अनुसार चार लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, BVG कंपनी के दो प्रतिनिधि हैं संदीप चौधरी और श्री ओमकार सर्वे ओमकार सप्रे, और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120-20 हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। तफ्तीश का क्लोज सुपरविजन हमारे ADG श्री MN दिनेश द्वारा किया जा रहा है।